चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्राइक फाइटर ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक नया ही कारनामा कर दिया है। 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म क्राइक फाइटर बन चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म क्राइक फाइटर, जो कि होली के मौके पर पूरे भारत के साथ साथ यूपी, बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इस फिल्म ने एक और नया इतिहास भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रच दिया। जी हां, 2019 में पहली ऐसी कोई फिल्म है जिसने बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर शानदार 50 दिन कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, बिहार झारखंड में करीब 5 सिनेमा घरों में 50 दिन शानदार प्रवेश कर लिया है क्राइक फाइटर ने। यानी कि 50वें दिन भी सुपरस्टार पवन सिंह का जलवा बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि क्राइक फाइटर में पहली बार प्रदीप रावत, जो कि साउथ और बॉलीवुड में विलन का काम करते हैं, जो पहली बार भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं। पवन सिंह के साथ दमदार डायलॉग और एक्शन सीन पर भोजपुरी दर्शक जमकर सीटी बजाते हुए सिनेमा घरों में नजर आते हैं। फिल्म में पहली बार संचिता बनर्जी भी नजर आती है और करीब 3 साल के बाद एक बार फिर से पवन सिंह के साथ निधि झा का जोरदार आइटम तड़का और जोरदार रोमांस भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो क्राइक फाइटर भोजपुरी दर्शकों के दिमाग में रखकर फिल्म बनाई गई थी, तभी तो फिल्म ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर शानदार 50 दिन कंप्लीट कर लिया। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक क्राइक फाइटर नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर फिल्म क्राइक फाइटर का लुत्फ जरूर उठाएं। और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज क्राइक फाइटर में कैसा लगा। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह की और भी कई सारे फिल्में बैक टू बैक रिलीज को बिल्कुल तैयार है।